राजस्थान में हुई राजनीतिक उठापटक का अगर सटीक विश्लेषण किया जाए तो इसे ऐसे ही समझा जाएगा कि ये सचिन पायलट की जल्दबाजी थी और कुछ अशोक गहलोत की चालबाजी थी। सचिन पायलट की जल्दबाजी इसलिए क्योंकि उन्हें न माया मिली न राम। कांग्रेस ने लिया ऐसा एक्शन कि उन्हें तुरंत बयान जारी करके कहना पड़ा कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे, वो कांग्रेस के ही सदस्य रहेंगे। पर बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट का अब कांग्रेस में काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और अब क्या कांग्रेस के अंदर रहकर संघर्ष करना उनके लिए संभव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिस्थितियों को भांपकर खुलेआम मीडिया में यह बयान दे दिया कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे, यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे और उनके पास इस बात के सबूत भी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस और एसओजी समेत पूरा कानूनी तंत्र सचिन पायलट और उनके समर्थन में खड़े हुए नेताओं के खिलाफ लगा दिया, जिसको अगर अच्छी तरह से समझा जाए तो अशोक गहलोत ने इस जंग में सब कुछ जायज है वाला फंडा अपना लिया है और अब वो साम दाम दंड भेद से सचिन पायलट का करियर खत्म करने का भी काम कर रहे हैं। वैसे भी राजस्थान की राजनीति में ये कहावत बहुत पुरानी है कि एक बार के लिए सांप का काटा बच सकता है, लेकिन कांग्रेस में रहकर अशोक गहलोत से बैर रखने वाला नहीं बच सकता। सचिन पायलट ने जल्दबाजी में जो राजनीति की, अशोक गहलोत ऐसी राजनीति का अपने इतिहास में कई बार करारा जवाब दे चुके हैं। इसी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लेने के बाद कांग्रेस ने पायलट और उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यही नहीं, 19 विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब पायलट दिल्ली में संविधान विशेषज्ञ और कानून भी दो के चक्कर काटते फिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दो दिन में इस नोटिस का जवाब भी देना है और साथ में जो उनके विधायकों के पीछे पुलिस और एसओजी लगी है उनके लिए भी कुछ इंतजाम करना है। इसके अलावा बड़ा मसला ये भी है कि बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं जारी किया, जिसे कि साफ है कि फिलहाल बीजेपी कुछ भी नहीं करने वाली है। ऐसे में पायलट अब ना तो घर के रह गए हैं और ना ही घाट के, क्योंकि सोचने वाली बात तो ये भी है कि जो लोग भी गहलोत के साथ गए हैं उन सभी के सारे कारनामों की चाबियां गहलोत के पास हैं। बस देर है तो उन चाबियों से इनके ताले खोलने की। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये वही अशोक गहलोत है जिन्होंने मदेना जैसे दिग्गजों की राजनीति खत्म कर दी थी। अगर इतने सालों से लोग इन्हें राजनीति का जादूगर कहते हैं तो उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ही। पायलट की आनन फानन में ये वो कर बैठे जिसको आसान भाषा में राजनीतिक आत्महत्या भी अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो शायद भूल गए थे कि राजस्थान राजस्थान है, मध्य प्रदेश नहीं, और गहलोत गहलोत है, कमलनाथ नहीं है। सचिन पायलट के पास अब जितने भी विकल्प हैं उन सब में सबसे बेहतर विकल्प कांग्रेस में रुककर गहलोत के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का ही है, नहीं तो उनका राजनीतिक करियर जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो या तो गहलोत उनकी राजनीति खत्म करेंगे और नहीं तो फिर कुछ दिन में ये काम मोदी जी ही कर डालेंगे। ऐसे में पायलट के एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई।